नीरजा जी, ये जो प्रधानमंत्री का जो रवैया है, क्या ये वो तो ये कह सकते हैं कि भाई हम तो जनता से सीधे संवाद करते हैं और वो हर महीने मन की बात भी करते हैं और जब से प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद से लगातार वो मन की बात कर रहे हैं। वो जब कोई स्पीच देते हैं टेलीविजन पे लगातार वो पब्लिसाइज होती है और वो पूरी स्पीच चलती रहती है, तो ऐसे में उनको ये जरूरत क्यों पड़े कि वो लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों के सवालों के जवाब दें? और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो इसमें आसमान को क्यों टूट पड़ना चाहिए? नीरजा जी, अपने को अनम्यूट करें आप। जी बताइए। जी आशुतोष, मैं सही मायने में कहूंगी कि मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। इनके ऊपर क्या आक्रमण हो जाएगा जिसका वो जवाब सही तरह से नहीं दे सकते? वो तो एकदम कम्युनिकेशन स्किल्स के माहिर हैं इस समय। और संजय बाड़ू की किताब में जब उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में लिखा था, जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस तरह से 3-4 दिन उनको हर सवाल का जवाब एंटिसिपेट करने के लिए, हर प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग मिलती है, डिटेल ब्रीफिंग मिलती है। एक ही सवाल था जिसमें वो चौंक गए थे, वो आखिरी सवाल था उनके रेजिग्नेशन के बारे में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज हर सवाल को फील्ड कर सकते हैं, मतलब सरकार की पॉलिसी है, वो क्या कहना चाहते हैं, पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, तो ये और मतलब इसमें चांदी ही चांदी है। आप दुनिया को बताएंगे, देश को बताएंगे मैं लोकतांत्रिक हूँ, मैं हर हर सवाल का को फील्ड करूंगा। तो मुझे समझ में नहीं आती एक चीज आ गई है सामने कि सारा कॉन्वर्सेशन पॉलिटिशियंस के साथ, लीडर्स के साथ एक तरफा हो गया, वन वे डायलॉग है ये। आप और ये सिर्फ इसमें प्रधानमंत्री ही मोदी ही नहीं गिल्टी है, काफी समय से ये चल रहा है। आप किसी से इंटरव्यू मांगे तो वो आपको आज आसानी से नहीं देंगे, आप फ्रेंडली है तो शायद दे दें, वो क्योंकि वो जो कहना चाह रहे हैं पब्लिक को, वो उसको कहने के लिए उनके पास बहुत ही माध्यम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, वॉट्स, दुनिया भर के तरीके हैं। तो वो काहे को छोटे से प्रिंट मीडिया के लिए या टेलीविजन के लिए या मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? लेकिन मेरा मानना है कि और मैं एक और चीज कहूंगी आशुतोष, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, 2014 और 15 की शुरुआत की ये बात है, उन्होंने 5-6 वार्तालाप किए थे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ एडिटर्स में, 10-12 हर ग्रुप में होते, हो सकता विनोद था उसमें, मैं एक में थी, मुझे याद है 1.5 घंटा वो उन्होंने बातचीत की, 1.5 घंटा जिसमें मैं थी, 1.5 घंटा, और हमारे सवाल खत्म हो गए और फिर भी उन्होंने कहा आप लोग संतुष्ट हैं। लेकिन वो इनफॉर्मल बातचीत थी, मिर्जा जी, वो इनफॉर्मल बातचीत थी। हाँ, इनफॉर्मल, उसमें बस सवाल ये भी थे, अडानी के बारे में था, क्रोनी कॉर कैपिटलिज्म के बारे में था, और उनकी अपनी पत्नी के बारे में था, मतलब बहुत शार्प सवाल थे, ऐसा नहीं था कि फ्रेंडली गुडी गुडी सवाल थे, लेकिन वो पब्लिक नहीं था। तो उन्होंने कहा आपको मेरी सोच के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है आज, लेकिन पब्लिकली वो नहीं था। तो मोटा मोटा आई थिंक मीडिया का सारा एक लास्ट थिंग आई वांट टू से कि ये डिपेंड करता है कि सरकार की या नेता की मीडिया के रोल के बारे में क्या धारणा है। और मैं मानती हूँ इस सरकार की धारणा है कि मीडिया का रोल है सरकार का पीआर करना, मीडिया का रोल ये नहीं है देश को आईना दिखाना, सरकार को आईना दिखाना, ताकि ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो, हर चीज हर प्रॉब्लम जो है ना वो वहां से आ रही है। सब सरकारें ये करती हैं पर डिग्री का फर्क है। बिल्कुल यशवंत, आप तो हिंदुस्तान के बाहर दुबई में बैठे हुए फिलहाल, और ये मैं कह सकता हूँ कि ग्लोबल विलेज में आप हैं, वहां से आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन वो व्हाइट हाउस की का जो प्रेस रूम है वहां आते हैं, पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं होती। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, खासतौर वो प्रेस जो सीएनएन का प्रेस था, उसको गालियां भी खूब देते थे, पत्रकार उनसे बड़े तीखे सवाल भी करते थे, तुनक भी जाते थे, लेकिन वो प्रेस को वो फेस करते थे, रेडियो पे आते हैं और वो तमाम शोज में आते हैं, और ऐसा दुनिया का शायद ही कोई डेमोक्रेसी हो जहां का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्रेस को फेस ना करता हो। मोदी जी की इस खास आदत को आप किस नजर से देखते हैं? क्या वो प्रेस को बिल्कुल
अपने पैरों की जूती की तरीके समझते हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो प्रेस को फेस नहीं करना चाहते? मुझे लगता है आशुतोष कि अगर मतलब मैं इसको प्रेस फ्रीडम और बाकी सारी चीजें लोकतंत्र में मैं इसके बिल्कुल बियॉन्ड जाकर के नितांत ह्यूमन रिएक्शन की तरह से शायद मैं एनालाइज करना चाहूंगा। और मेरा मानना है मोदी मीडिया को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मीडिया ने मोदी को ट्रीट किया। और ये मैं बहुत नितांत एक ह्यूमन रिएक्शन के हिसाब से देख रहा हूँ। शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई और दूसरा पॉलिटिशियन है जिसको जिस लेवल का फियर्स क्रिटिसिज्म 2012 से 2014 के बीच में खासतौर पे झेलना पड़ा, उसे बैप्टिज्म बाय फायर जिसे कहते हैं, आप उसे उस तरीके से देखिए। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी दिल्ली में पत्रकारों के बीच में अच्छे खासे मिलते थे, यारी दोस्ती सब संबंध लोकप्रिय थे, लोकप्रिय थे, स्टूडियोज में जाते थे, सारे डिबेट्स में हिस्सा लेते थे और बहुत पुरानी तमाम उनकी रिकॉर्डिंग आपको आवाज और मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी कि आपको आश्चर्य होगा कि राज्यों में जब जाते थे तो बहुत ही छोटे छोटे अखबारों और छोटे छोटे चैनलों तक को, केबल टीवी वाले चैनलों तक को भी उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरव्यूज दे रखे हैं अगर आप आर्काइव देखें तो। 2002 के बाद से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में शायद मैं बहुत ह्यूमन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं बिना जज किए हुए शायद मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम में से कोई भी अगर ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल है और जो भी कारण हो भाई, हम उनकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उनको अच्छा बुरा जो भी कहना चाहें, लेकिन समहाउ 2002 के बाद में जिस तरीके से मीडिया ने उनके रोल को लिया, क्रिटिसाइज किया, उनको कहीं ना कहीं उसमें एक अंदर से आप कहें गुस्सा या पता नहीं मैं क्या कहना इसको एक अजीब सा है, लेकिन एक पार्टिसनशिप शायद उनको लगी कि उनको ये लगा कि ये मीडिया ये मुझको लेकर के फेयर नहीं है, शायद ये उनके मन में एक हो गया। दूसरी बात कि आप अगर एंटी इनकम्बेंसी और बाकी सारी चीजों के मसले पे देखें कि देश में जब जब बड़ा कोई नेता उभरा है उस नेता के उभार में हमेशा, चाहे वीपी सिंह से आप शुरू कीजिए, मतलब आप मीडिया का बड़ा रोल रहा है उस पर्सनालिटी उस करिश्मा को बनाने में। मोदी का गोदी मीडिया पोस्ट 2014 है, उसके पहले नहीं। कहने का मतलब यह है मोदी ये क्लेम कर सकते हैं आई एम नॉट मोदी बिकॉज ऑफ मीडिया, आई एम मोदी इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ द इंडियन मीडिया। मेरे ख्याल से ये वो क्लेम करें तो ये उचित क्लेम होगा, ये मैं मानता हूं एक एनालिस्ट की हैसियत से कि प्रधानमंत्री बनने के पहले तक मोदी को लेकर के जो जेनरिक मीडिया का डिस्कशन या वो रहा है वो मेजॉरिटी हाइपर क्रिटिकल रहा है। और तीसरा मैं मानता हूं जिस ओर मिश्रा जी ने भी इशारा किया और सहर ने भी उस ओर थोड़ा सा इशारा किया वो ये कि देखिए 10 साल में मीडिया का कलेवर टेक्नोलॉजी से बदल गया। सोशल मीडिया फर्ज कीजिए, अगर सोशल मीडिया आशुतोष नहीं होती जी तो मोदी को मीडिया की जरूरत होती, उनको ये लगता कि नहीं मुझे अभी मीडिया की जरूरत है और मुझे सॉफ्ट हैंडल करना है भले ही ये कितने भी क्रिटिकल हो। सोशल मीडिया ने मोदी ट्रंप और तमाम ऐसे नेताओं को एकदम सीधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया जहां पे वो अपने जो भी उनके समर्थक हैं उनसे वो सीधा वार्तालाप कर सकते हैं और उन्हें अब मीडिया की वैसी जरूरत नहीं रही। और चौथी बात जो एक टीवी आप आशु हम दोनों लोग टीवी पे बहुत लंबा काम कर चुके हैं और टीआरपी की हैसियत से एक बड़ा क्लासिकल चीज मैंने ये भी देखा 13-14-15 के दरमियान हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि न्यूज चैनल्स की टीआरपी को ड्राइव किया है मोदी ने अपनी पॉपुलैरिटी के कारण। तो शुरुआत में जो मोदी मोदी वाला जो गोदी मीडिया वाला जिसे हम बात करते हैं वो दरअसल शुरुआती वो लहर वो टीआरपी की थी